कैन यू स्कोर मोर देन 700 प्लस मार्क्स इन 2025? दिस कैन बी क्वेश्चन मार्क ऑन योर एबिलिटी और एट द सेम टाइम दिस कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर एटीट्यूड. सो इट्स एटीट्यूड दैट इज गोइंग टू डिसाइड whether यू कैन गेट और यू कैन नॉट. सिंपल, वेरी सिंपल. देखो एक बात का ध्यान रखना, 2002-2003 से हमने JEE पढ़ाना स्टार्ट करा था, 21 साल हो गए. और इस 21 सालों के अंदर हमने फिजिक्स के साथ, फिजिकल केमिस्ट्री में भी बादलों के साथ 8 किताबें भी लिखी. तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि JEE एडवांस, जो उस ज़माने में JEE कहलाता था, JEE के लिए एक बहुत ही शार्प IQ की ज़रूरत है, लेजर शार्प ब्रेन की ज़रूरत है. बट द सेम कैन नॉट बी टोल्ड फॉर मेडिकल. अब इसका ये मतलब नहीं कि मेडिकल के बच्चों की IQ कम होती है. कहने का ये मतलब है कि मेडिकल में एक एवरेज IQ का बच्चा कंसिस्टेंट है, वो 700 मार्क्स ले सकता है. लेकिन JEE एडवांस के लिए एवरेज बच्चा बहुत कंसिस्टेंट भी हो तो डाउटफुल है ना. बस ये मैटर है. तो सबसे पहले अगर तुम नेट 2024 में फेल हो गए का मतलब तुम बिलबोर्ड को हिट नहीं कर पाए, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम खुद को देखते कैसे हो. सेल्फ परसेप्शन, एक शेर चूहे की तरह देखते, एक चूहा खुद को शेर की तरह देखते हैं, दोनों ही चीज़ें अंत में रिजल्ट को प्रभावित करते हैं. जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर है, जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर है. तो कोई भी एरिना कोई भी हो, लड़ाई के मैदान कोई भी हो, यही चीज़ें मैटर करती है. लड़ाई का मैदान कोई भी हो, मान लो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम बना रहे जहां तुमने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन करी और यहां पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तुमने खुद से पूछा कि क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन हो सकती नहीं हो सकती, ये एक डिफरेंट मैटर हो सकता है. लेकिन क्या ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आई? अगर आई तो वेल एंड गुड, और नहीं आई तो मामला ख़राब है, तो मामले में प्रॉब्लम है. तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए. यू आर सपोज टू थिंक इन दिस वे. यानी कि हम किसी प्रॉब्लम के चारों तरफ 360 डिग्री पे घूम के देख सकते क्या, या सिर्फ हम उतना ही देख रहे हैं जितना क्वेश्चन में लिखा है? अगर तुम 360 पे घूम के देख सकते तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान है. दूसरी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है? ज़्यादातर हम में से ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते कि काश ये प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व करी होती, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल अलग है. जो हमारी एक्चुअल लाइफ होती है उसमें क्या होता है, हम पहले प्रॉब्लम फेस करते हैं, बच गए तो हम उससे सीखते हैं, नहीं बचे तो ख़त्म हो गई, फोटो के ऊपर माला लगा होता, यही होता ना. एक्चुअल लाइफ में हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम फेस करते, बाद में अगर बच गए तो सीखते हैं, नहीं तो जो परिवार के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो सीखते हैं कैसे हुआ कैसे था. तो यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम उसे कैसे टैकल करते हैं, एकदम से ब्लैंक हो जाते या अपनी एक्सपीरियंस को यूज करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. ये प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जो कहते हैं नए से सवाल आ गए थे. भाई, नए से सवाल बारिश में आ गए थे क्या? नए से सवाल आसमान से गिर गए थे क्या? जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के चारों तरफ ही थे. ये तुम्हारी गलती है कि तुमने कॉन्सेप्ट को 360 डिग्री एंगल पे देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं. तीसरी बात है कंसिस्टेंसी. जब टारगेट एक साल दूर हो तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. कभी तुम्हें ऐसा लगेगा आज पढ़ने की क्या जरूरत, अभी तो इतने दिन बाकी है, ऐसा तुम्हें बहुत दिनों तक लगता रहेगा और उस दिन तक लगता रहेगा जिस दिन तुम्हारे दिमाग ने ये नहीं कहा अब दिन ही कहाँ बचे, अब पढ़ के क्या होगा. मतलब दो तरह की माइंडसेट होती है. दिमाग तुम्हें ये कहता रहेगा अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी पढ़ के क्या करना है ना. और फिर वही दिमाग तुम्हें एक दिन कहेगा अब करके क्या, तब तो टाइम खत्म होगी. तो हमें दिमाग की ये फालतू बातें सुननी है या एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है? अगर तुम्हें लगता है कि हमें स्ट्रेटजी को फॉलो करना है तो कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर तुम 100 प्रॉब्लम बना रहे तो तुमने 200 प्रॉब्लम भी अगर तुमने 365 डेज बना ली या 300 डेज भी बना ली तो 6 पे 4 0 हो गए, 60,000 प्रॉब्लम तुमने बना ली. किसके लिए? 200 प्रॉब्लम एक्चुअल एग्जाम में आने हैं और तुमने कितनी बना ली? 60,000. अब होता ये है कि लोग क्या करते हैं, 200 प्रॉब्लम एक दिन बनाते हैं और फिर अगले 150 दिन आराम करते हैं, फिर अगले 100 दिन रेस्ट करते हैं, फिर किसी दिन 200 बना लिया, फिर अगले 100 दिन रेस्ट करो. अगर तुम्हारी ऐसी टेंडेंसी है तो तुम्हें अभी इस टाइम पर ड्रॉप ले लेना चाहिए. घर वालों के पैसे बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं. और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब है कि कई लोग क्या करते हैं, दिन के 18 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बना लेते हैं. भाई, 18 घंटे का शेड्यूल बनाने वाला कोई एक बंदा कभी सेलेक्ट हो गया हो तो दिखा देना, हमारी भी नज़रें बड़ी प्यासी है उसे देखने को. अगर 18 घंटे के शेड्यूल बना के कोई आदमी कामयाब हो गया हो तो उसे दिखा देना, हमें भी देखना है. प्यासी नज़रें उसे कई सालों से ढूंढ रही, ठीक है? तो तुम्हें शेड्यूल 18 घंटे के नहीं बनाना बेटा, तुम्हें शेड्यूल बनाना है 8 से 10 घंटे का.
और इस शेड्यूल में इसके बाद तुम्हें स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखना है, घर के कुछ थोड़े बहुत काम हो वो भी करने हैं। आदमी 18 घंटे पढ़ने के सिर्फ ड्रामेबाजी करता, बहाने बनाते क्योंकि वो बाकी काम से भागना चाहते, तो तुम्हें टाइम मैनेज करना होगा और उस टाइम के अंदर तुम्हारे खुद की जो हॉबी है और जो फिजिकल फिटनेस है उसके लिए भी टाइम होना चाहिए, हॉबी के लिए भी, फिजिकल फिटनेस के लिए भी, और जो आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। तुम्हें टाइम इस तरीके से मैनेज करना है। टाइम तो तुम बना नहीं सकते, कोई फैक्ट्री से ला नहीं सकते, 24 घंटे टाइम सबके लिए है, तुम्हें उसी टाइम को ही मैनेज करना है। अगर तुम कर सकते वेल एंड गुड, अगर तुम्हें लगता है कि टाइम मैनेज करने की जरूरत ही क्या है तो फिर अगली बार नेट का पेपर देने की भी कोई जरूरत नहीं। ये स्लाइड बिगनर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स के लिए है। बिगनर्स को थ्योरी पढ़नी है। अभी जो कुछ भी बातें करने जा रहे हैं वो एज्यूम करके कर रहे हैं कि तुम 2025 में दूसरी बार या तीसरी बार या उसके बाद अपीयर हो रहे, पहली बार अपीयर नहीं हो रहे, तो इसमें तुम्हें क्या करना है। अब तुम वापस टैक्स गए, टैक्स से तुमने चीज़ों को स्टार्ट करा, एनसीईआरटी पढ़ी, 6 महीने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर 2 महीने सोचा प्लान करते हैं, वैसे कुछ नहीं करना है। तुम्हें आज से अभी से एक्शन मोड के अंदर आना है, आज से और अभी से। तुम्हें क्या करना है, उसके 40-50 प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर लिए, क्या सोचकर, शायद सारे के सारे गलत हो जाए, ऐसा सोच के तुमने कर लिया है ना। और इसमें पता चला कि नहीं, 20 तो सही थे और जो 20 या 30 थे वो गलत थे। जो गलत थे उसकी सब टॉपिक कौन सी और वो क्यों गलत हुए, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। मान लो ये जो 30 प्रॉब्लम हुए ये सिर्फ 3 सब टॉपिक के ऊपर से गलत हुए थे, इसका मतलब है तुम्हें उन 3 जो सब टॉपिक थे उनको वापस रिवाइज करना है, क्विक रिवाइज करना है। बिल्कुल टाइम फ्रेम बनाई कि 1 घंटे के अंदर सब टॉपिक नंबर 1, 2 घंटे के अंदर सब टॉपिक नंबर 2 और 3 घंटे के अंदर सब टॉपिक नंबर 3। जितने रिसोर्सेस हैं तुम्हारे पास तुमने यूटिलाइज करा, नोट्स लिखी और फिर इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। तो तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है और थियरी से सीखना है, जो ऑब्जेक्टिव है उनसे सीखना है। बच्चे स्ट्रगल करते होते हैं कि पहले थियरी पढ़ लेते हैं, एक दिन थियरी खत्म हो जाएगी देन ऑब्जेक्टिव विल स्टार्ट। उनकी सोच यही होती है कि एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसी सुबह आएगी जब थ्योरी खत्म हो जाएगी और वहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करना है। बस वो सुबह कभी नहीं आती, बंदा 3-3, 4-4 बार देता है मगर वो सुबह कभी नहीं आती जब थ्योरी खत्म हो जाए और उसे लगे कि ना ना अब तो थ्योरी की जरूरत नहीं। तो ये एक माया मोह है, इस माया मोह से तुम्हें बाहर निकलना है। और तुम्हें सोचना है कि तुम्हें अगले साल मार्क्स लाने हैं या फिर से यही फेलियर की कहानी दोहरानी है। तो ड्रॉप लेने के बाद क्या तुम 700 मार्क्स तक जा सकते, तो इसमें इंटेलिजेंस का रोल थोड़ा कम है। इसमें जिनका रोल है वो कंसिस्टेंसी है, वो तुम्हारे डिसिप्लिन है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो थोड़ा एवरेज आईक्यू से भी तुम मार्क्स ला सकते, थोड़ी एवरेज आईक्यू के साथ भी तुम परफॉर्म कर सकते। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारी हैबिट का हिस्सा नहीं है तो बेहतर है घर वालों के पैसे बर्बाद ना करो।